हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल एंड अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिक। तो आज हम लोग बात करेंगे उल्लू एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है डिकोड। यार नाम सुन के आप लोगों को लग रहा होगा ये जासूसी वेब सीरीज होगी ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये जासूसी नहीं, ये झाटूसी वेब सीरीज है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताऊंगा आपको कि वेब सीरीज में मुझे क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ फनी लगा और क्या कुछ देखकर मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हुआ, तो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। और हाँ, जो खासकर उल्लू की वेब सीरीज का रिव्यू देखने के लिए इस वीडियो पे उन लोगों से इतना ही बोलूंगा कि वीडियो देखने के बाद अपने पास इस वीडियो की लिंक को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां मर्जी आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग शेयर करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो बेसिकली ये वेब सीरीज की शुरुआत होती है इससे। कौन सा डायलॉग बोल? ओए वाला, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। पागल हो गए क्या? हमें जेल में है तू। बोल, करना एक बार बोलना। और इस वेब सीरीज की खत्म होती है इससे। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है एक गरीब माँ से जो चाहती है अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में हो जाए, तो इसलिए वो अपनी बेटी को तैयार करती है। तो तैयार उसको ऐसा नहीं करती कि मतलब तू उस घर में जाके मतलब कुछ अच्छा करना या मतलब अच्छे से सबका हंसमुख तरीके से, ऐसा नहीं है। वो ऐसा तैयार करने से वो अपने हस्बैंड को किस तरीके से रिझाए, क्योंकि ये उल्लू वेब सीरीज की माँ है तो ये अच्छा नहीं सिखाएगी, ये उल्टा ही सिखाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से सिखाती है अपनी बेटी को। और उसकी बेटी की शादी भी हुई थी अमीर घर में, लेकिन अब 20 साल हो चुके। 20 साल के बाद सिचुएशन ये है कि जब उसकी बेटी जब दोबारा उसकी माँ से मिलने की लाती थी तो वो अपनी माँ को बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझसे ज्यादा क्लोज नहीं करते, वो हर रात को एक नई लड़की लेके आ जाते हैं और मुझसे दूरियां बनाते, वो मुझे पसंद भी नहीं करते। इवन वो मुझसे शादी भी जबरदस्ती ही किए थे, क्योंकि उनके शादी करने का इरादा कुछ भी नहीं था। और जब भी वो मेरे करीब आते तो वो हमारी वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही करीब आए थे, उसके अलावा वो मेरे करीब भी नहीं आते। तो यहाँ पर माँ उनको सुझाव देती कि तू मतलब इतने एडल्ट सुझाव देती कि मैं आप लोग को इस वक्त वीडियो में बता भी नहीं सकता। और ये सिर्फ आपको उल्लू की वेब सीरीज में ही देखने मिलेगा, जो एक माँ अपनी बेटी को इतने अलग अलग अश्लीलता के चीजें बताएगी। बताना तो छोड़ो, वो एक लड़की को लेकर आती है, वो बोलती है कि तू इसके साथ सब एडल्ट चीजें कर ताकि इसको एक्सपीरियंस हो के अपने हस्बैंड को किस तरीके से रिझाया जाता है। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ सीन्स देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानना है तो भाई आप ये वेब सीरीज देखो। लेकिन मेरी राय मानो तो, मेरा ओपिनियन मानो तो यार, इस वेब सीरीज से जितना हो सके दूर हो, क्योंकि ये वेब सीरीज के जितने भी सीन्स है ना, मुझे पर्सनली उल्लू की वेब सीरीज में मैंने आज तक इतने खतरनाक सीन्स नहीं देखा भाई उल्लू की वेब सीरीज में। ये तो एक अलग ही लेवल की वेब सीरीज है जो उल्लू वाले ने लेके आया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म है या कोई ये कोई रंडी खा रहा है। और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स उन लोग को इतना बोलो कि यार दिवाली की शुभकामनाएं, आप अपनी दिवाली अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, जब भी फटाकड़े जलाएंगे तो थोड़ा दूर रहकर जलाएं, और मोस्टली हो सके तो बहुत कम ही करें, क्योंकि पॉल्यूशन होता है और एनवायरमेंट को उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो उस सब चीज को अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर होगा। और हाँ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो, और जो भी करना है आप करो, लेकिन बी सेफ और हैप्पी दिवाली। तो यार मैं तो इस वीडियो में आपसे लेता हूँ विदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।